सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि गाइस आप सब बहुत ही मस्त होंगे। सो गाइस, जिस वीडियो को अभी आप है सो प्रीव्यू में देख लिए हैं, जो कि गाइस है सो गणेश चतुर्थी के ऊपर एक स्टेटस वीडियो है। अगर गाइस आप भी चाहते इस प्रकार से गणेश चतुर्थी के ऊपर स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना, तो सिंपली गाइस इस प्रकार का वीडियो को एडिटिंग करना बहुत ही सिंपल है। मैं आपको गाइस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको गाइस इस प्रकार से वीडियो को कैसे एडिटिंग करना है। तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस प्रकार का गाइस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए आपके फ़ोन में कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए। नहीं होगा तो गाइस आप कैपकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आपको गाइस हर एक वीडियो में बताता हूँ कैपकट एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है। और गाइस जब आप कैपकट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो सिंपली गाइस आपको एक VPN को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कोई भी VPN को सिंपली गाइस आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके और गाइस आप VPN को कनेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे गाइस हम ऑलरेडी एक VPN को कनेक्ट किए हुए हैं। इसी प्रकार से आपको भी गाइस VPN को कनेक्ट कर देना होगा, और जब आपका VPN कनेक्ट हो जाएगा तो आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा। ओपन होने के बाद गाइस आपके सामने इस प्रकार से एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। तो गाइस आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, और यहां से गाइस आपको ऑला वाला ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से ऑला वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड इस प्रकार से गाइस आपका गैलरी ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ से गाइस आपको ऐसे एक 10 सेकेंड को वीडियो को ऐड कर देना होगा। इस 10 सेकेंड को वीडियो को गाइस आपको ऐसे हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इस प्रकार से ऐड कर लीजिएगा। और इस अकॉर्डिंग ऐड हो जाने के बाद सिंपली गाइस आपको लास्ट में कैपकट के लोगो पे क्लिक करके नीचे डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर देना होगा। और यहां से गाइस आपको गणेश चतुर्थी को इमेज को ऐड करना होगा। तो सिंपली गाइस इमेज ऐड करने के लिए आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो इस प्रकार से गाइस आपका गैलरी ओपन होकर के आ जाएगा। यहां से गाइस आप गणेश चतुर्थी को इमेज को ऐड कर लीजिएगा। अगर गाइस आपके पास गणेश चतुर्थी वाला इमेज नहीं है, तो मैं गाइस हर एक इमेज को है सो टेलीग्राम पे अपलोड कर दो। आप वहाँ से डाउनलोड करके इस प्रकार से आपको ऐड कर देना होगा। नीचे गाइस आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इस प्रकार से गाइस आपका इमेज है सो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो गाइस इमेज फुल स्क्रीन में नहीं रहेगा, इस पर क्लिक करके इस प्रकार से गाइस आपको इमेज को फुल स्क्रीन में कर देना होगा। इस अकॉर्डिंग गाइस आपको इमेज को एडजस्टमेंट कर देना होगा, और इमेज एडजस्टमेंट हो जाने के बाद सिंपली गाइस आपको सॉन्ग को ऐड करना होगा। तो आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आ जाना होगा। नीचे गाइस आपको ऐड ऐड का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर गाइस आपको क्लिक करके नीचे एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर भी गाइस आपको क्लिक कर देना होगा। और ऑल ऑफ ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपका गैलरी ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से गाइस आपको ऐसे सॉन्ग को इंपोर्ट कर देना होगा। सॉन्ग का लिंक गाइस आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस अकॉर्डिंग गाइस आपको सॉन्ग को सेलेक्ट करके नीचे एक्सट्रैक्ट ऐड ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो इस प्रकार से गाइस आप में ये सॉन्ग आ जाएगा। अब गाइस आपको ऐसे फर्स्ट इमेज पे क्लिक करके इस इमेज को गाइस आपको 2 सेकेंड तक रखना होगा। तो इसी अकॉर्डिंग गाइस आपको हर एक इमेज पे क्लिक करके इस अकॉर्डिंग गाइस आपको इमेज को 2 सेकेंड तक रख देना होगा। जिस प्रकार से गाइस हम इसमें इमेज को 2 सेकेंड तक रख रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग गाइस आपको इमेज को 2 सेकेंड पे रख देना होगा। और लास्ट में गाइस जहां तक सॉन्ग रहेगा वहीं तक गाइस आपको इमेज को रखना होगा। तो इस प्रकार से इमेज पे क्लिक करके कम करके इस अकॉर्डिंग गाइस सॉन्ग के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट कर देना होगा। जो इमेज इसमें एक्स्ट्रा बच जाएगा उस पर क्लिक करके नीचे डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर लीजिएगा। अब यहाँ से गाइस आपको फर्स्ट इमेज पे आ जाना होगा, और यहाँ से गाइस आपको नीचे बैक करके और बैक कर देने के बाद यहाँ पे गाइस आपको क्लिक कर देना होगा। और इस प्रकार से गाइस लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से गाइस कैमरा वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ से गाइस आपको सेंक वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर गाइस आपको क्लिक करके गो टू ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। यहाँ से गाइस आपको ऐसे अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से गाइस सही वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से गाइस ये हर एक वीडियो में ऐसे एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा, आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और इस अकॉर्डिंग हो जाने का फिर से गाइस आपको वहीं पे आ जाना होगा। और आ जाने को सिंपली गाइस नीचे आपको ऐसे इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद स्क्रॉल करके गाइस आपका ऐसे मोशन का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर गाइस आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से गाइस ये मोशन का ऑप्शन है, इस पर गाइस आपको क्लिक करके नीचे की ओर गाइस आप स्क्रॉल कीजिएगा इस प्रकार से। यहाँ से गाइस आपको लास्ट में 3D Zoom Pro का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से गाइस आपको क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और यहाँ से गाइस इसमें स्क्रीन पर आप देख सकती है 100% तक होगा अप्लाई। उसके बाद गाइस आप ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा, इसको गाइस आप 100% तक अप्लाई होने दीजिएगा। यहाँ पे गाइस आपको ऐसे 10 सेकंड तक रुकना पड़ेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये हो चुका है, तो आपको सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। फिर से गाइस आपको इसी वाले को ऐसे नेक्स्ट इमेज में भी ऐड करना होगा। इसी प्रकार से गाइस आपको फिर से आपको नीचे बैक करके और फिर से आपको वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको ऊपर के स्क्रॉल करके इसको गाइस फिर से आपको अप्लाई कर देना होगा। इसी अकॉर्डिंग गाइस आपको ऐसे यही वाले को ऐसे सभी इमेज में अप्लाई करना होगा। इसी प्रकार से जिस अकॉर्डिंग गाइस हम इस अप्लाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से गाइस आपको भी अप्लाई करना होगा। इस प्रकार से गाइस आप हर एक इमेज में है सो अप्लाई कर लीजिएगा।
तो इसी प्रकार से गैस आपको इस सभी में अप्लाई कर दूँगा। यहाँ पे गैस आप देख सकते हैं हम सभी में अप्लाई कर दिए हैं और आपको जितना भी इमेज में सभी में अप्लाई कर देने के बाद आपको यहाँ से नीचे बैक करके और यहाँ से गैस आपको एक बार वीडियो को प्ले करके देखना होगा कि गैस आपका वीडियो किस प्रकार से बन चुका है। आप यहाँ पर गैस वीडियो को देख सकते हैं कि वीडियो बहुत ही औसम तरीका से बन चुका है। तो यहाँ से गैस आप फुल वीडियो को देख लीजिएगा और फुल वीडियो को देखने के बाद गैस आपको इस वीडियो को सेव करना होगा। तो सिंपली गैस आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ से गैस ऊपर है सो एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे गैस आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से गैस जो सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। तो गैस आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं। तो गैस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर गैस आपको वीडियो पसंद आए तो गैस आप एक लाइक करके, हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा इसी तरह का न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए। तो गैस आज के इतना ही, मिलते फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में।